गाइस एंड वेरी वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ फोर्डानिया। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए साउथ दिल्ली से आ गया हूँ वेस्ट दिल्ली की साइड रोहिणी ईस्ट में एक बहुत मस्त सी थाली खाने के लिए। आलू नान की थाली है, 50 रुपये कॉस्ट करेगी अगर आप 3 सब्जियाँ लेंगे और 40 रुपये कॉस्ट करेगी अगर आप 2 सब्जियाँ लेते हैं। मैंने इनकी शॉप के बारे में बहुत सुना है, नाम है चौरसिया जी कान्हा जी कैटरर्स, छोटा सा ठेला टाइप है और अमेजिंग नान है जैसा मैंने सुना है। कभी टेस्ट नहीं करी है पर्सनली, तो फर्स्ट टाइम टेस्टिंग होने वाली है इसकी आपके सामने डायरेक्टली। तो एक बार मैं चाहूँगा संपर्क से दिखाए कि भाई इनका पूरा सेटअप कैसा है। और यहाँ पे हमारी आलू नान बन रही है। आलू नान के संग और कौन कौन सी नान होती है आपके? आलू गोभी पनीर। अच्छा, आलू गोभी पनीर। सो गाइज एक बार सारी चीज़ें बनते हुए दिखाते हैं आपको और आपको बताते हैं टेस्ट करके कि टेस्ट में कैसा है। सो गाइज ये हमारे भैया आलू नान बनाते हैं, इसमें आलू ऑलरेडी भर चुके थे। हाँ, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ अंदर लगी हुई, ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने लगी है हल्की हल्की सी, बढ़िया। तो एक बार बात करते हैं क्या क्या सब्जियाँ हैं सर के पास। हाँ, सेटअप भी देखने में इतना अच्छा है। सर एक बार सब्जियाँ बताएंगे क्या क्या है आपके पास? शाही पनीर है, दाल है, छोले हैं, कढ़ी है, आलू गोभी है। एक बार दिखाएंगे सारी सब्जियाँ थोड़ा सा चला के अगर पॉसिबल हो तो। ओके, ये कौन सी है? आलू गोभी। आलू गोभी, ओके। और ये छोले। छोले, अच्छा एक मिनट। दाल, ये दाल मखनी कौन सी है? दाल मखनी, राजमा हल्का सा। और ये क्या है हमारी? ये शाही पनीर। हाँ, शाही पनीर अच्छा होता है, बढ़िया बढ़िया। और ये कढ़ी पकौड़ा। कढ़ी पकौड़ा, भैया ऐसा करिए मेरी एक आलू नान थाली लगा दीजिएगा जिसमें आप कढ़ी, शाही पनीर और दाल मखनी कर दीजिएगा, 50 की हो जाएगी ना ये? ठीक। और संग में चावल की प्लेट अलग से कितने की है? 30 के हाफ 50 के फुल। 30 के हाफ 50 के फुल। सर अगर ये ठेले की बात की जाए, आपकी पूरा सेटअप है, कितने साल पुराना है करीब? 6 साल। 6 साल पुराना है और लाइक आपने काफ़ी अच्छी इमेज बना ली है यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन करके। तो आप जैसे पैकिंग करते हैं तो ये ऑनलाइन सेटअप है क्या है मतलब? अच्छा, खुद भिजवाते हैं परचेजी थी। अच्छा, मतलब अगर कोई ले जाना चाहे तो उसके लिए पैकिंग है? नहीं जाती है सारी। ओके ओके ओके। और पैकिंग में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस? नो। ओके, तो गाइज हम लोगों की आलू नान की थाली लग रही है, इतने बनते हुए देखते हैं मतलब बनाते हुए तो मैं आपको दिखाई दिया, फटाफट आपको टेस्ट करके भी बताते हैं कैसा है। ये बटर कौन सा यूज़ करते हैं सर आप? मिक्सचर लाइट। मिक्सचर लाइट, ठीक बढ़िया। ओके, ये अभी हमारी थाली नहीं लग रही है, आपकी लग रही है? अच्छा लग रही है। सर आप लोग जैसे यहाँ पे रेगुलर आते हैं तो लाइक कैसा लगता है आपको यहाँ पे जो थाली आप लोग खा रहे हैं? आप सब लोग आलू नान थाली खा रहे हैं? सब आलू नान नहीं। और आप कौन सी खा रहे हैं सर? हम रोटी। अच्छा, आप रोटी खा रहे हैं डायरेक्ट प्लेन? ओके, तो आपको रोटी ज़्यादा पसंद है यहाँ पे आलू नान के कम्पेयर में? कभी आलू नान कभी रोटी, कुछ भी खा लेते हैं मतलब। चलिए बढ़िया बढ़िया। तो गाइज यही होता है जब आप रेगुलर कस्टमर होते हैं तो कई बार आपको ये लगता है कि आप कुछ और भी खाना पसंद करते हैं। संपत भाई हमारे, संपत भैया एक बार ज़रा थोड़ा वो अचार रख दो इसमें थोड़ा सा पॉसिबल हो तो। बस तुम मिर्ची रखोगे तो मैं, पता है मुझे मिर्ची पसंद नहीं है। नींबू रख दे एक बार। सो गाइज ये है हमारी थाली, मैं एक बार उधर से आपको दिखाता हूँ पूरा घूम के कैसी है थाली। सो गाइज आप देख सकते हैं ये हमारी 50 रुपये की थाली है जिसमें इतने बड़े बड़े बटर आलू नान वो भी बटर वाले हमें मिले हैं। और देखिए मैं आपको सब्जी दिखाता हूँ एक बार क्या क्या है। ये हमें कढ़ी मिली है, पकौड़ियाँ मिली हैं दो बेसिकली। सर कढ़ी दोबारा ले सकते हैं अगर कोई सब्जी चाहे तो? ले सकते हैं। तो आप लोग कढ़ी और कोई भी सब्जी अगर चाहे तो दोबारा भी ले सकते हैं 50 रुपये में। दूसरी सब्जी हमें मिली है पनीर वाली, सो पनीर के पीसेस काफ़ी सारे हैं यार, 1 2 3 4 5 6 6 पीसेस पनीर के और ऊपर ही हल्की सी क्रीम डाली हुई है। बाद में मिला है हमें मूली अचार और ये चटनी और संग में मिली है ये दाल मखनी हल्के से राजमा डली हुई एंड अगेन इसमें थोड़ी सी क्रीम है। 50 रुपये में इतनी डिलीशियस थाली भाई दिल्ली में अगर मिल रही है और वो भी सब्जी दोबारा लेने का मौका मिल रहा है, आई डोंट थिंक नॉट एट ऑल अ बैड डील, बहुत मस्त डील है, बहुत लबालब डील है। अगर कभी आए रोहिणी ईस्ट में तो यहाँ ज़रूर खाइएगा खाने के टाइम पे। सो गाइस एक टेस्ट करते हैं बाइट, पहले छोटा सा बटर वाला ही। हाँ, यह बटर देखिए, एक बटर हमने यहाँ से बाइट लिया, गजब। पहला बाइट मैं लेना चाहूँगा पनीर के साथ, पनीर ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। कढ़ी के सामने पनीर आ जाए तो पनीर की ज़्यादा वैल्यू है। भी थोड़ा पतली है बट अच्छी है काफ़ी, पनीर के पीसेस काफ़ी अच्छे से डाले गए हैं लबालब। और अगला पीस लेते हैं हम लोग इससे ताकि आपको कंपैरिजन करके बता पाएँ एक संग। ये आ गया हमारा कढ़ी के साथ, कढ़ी में हल्की सी पकौड़ी भी लगाएंगे
नान और कढ़ी मैं पहली बार खा रहा हूँ जिंदगी में। कढ़ी बहुत अच्छी है, हल्का सा खट्टापन है कढ़ी में। तो अगर आप पनीर की ग्रेवी और कढ़ी की ग्रेवी में बात करेंगे तो ग्रेवी कढ़ी की ज़्यादा थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी है कंपेयर टू पनीर, बट टेस्ट में दोनों इक्वल है, नॉट एट ऑल अ डिफरेंस। तीसरा बाइट हम इस बटरी कुलचे का अपने, हाँ 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 लबा लब भाई साहब, आलू भी बहुत अच्छे से बने हुए हैं भैया ने, मुझे लग नहीं रहा था। वेरी गुड, ये हल्का सा अचार लगाया, और ये आ गई हमारी दाल मखनी। दाल मखनी इज प्रिटी बेटर कंपेयर टू पनीर। सो अगर बात करें रेटिंग्स की, कढ़ी इज वन ऑफ द बेस्ट, दाल मखनी सेकंड, पनीर इज थर्ड, क्योंकि मुझे थोड़ी ग्रेवी पतली लगी, ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होती तो पनीर मजे डाल देता। बट यार 50 रुपये में बच्चे की जान लोगे क्या, अनलिमिटेड मिल रही हैं सब्जियाँ आपको खाने को। तो एक बार लास्ट बाइट लेते हैं आप लोगों के सामने, छोटा बाइट लेते हैं वरना गालियाँ पड़ेंगी मुझे यूट्यूब कमेंट्स में। ये कढ़ी के साथ, हाँ 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 हाँ। अगर आपको थाली पसंद आई हो, एक बार आप क्लोजअप ऑल ले लीजिए थाली का, और आपको लगता हो कि देख के आपको खाने का मन करेगा, मुंह में पानी आएगा, तो भाई रोहिणी ईस्ट आओ ज़्यादा जल्दी जल्दी, और चौरसिया जी की एक नान की थाली खाइए, आलू नान सिर्फ 50 रुपये मात्र, 3 सब्जियाँ, इससे अच्छा सौदा आपको कहीं नहीं मिलेगा, सस्ता टिकाऊ और लाजवाब स्वादिष्ट। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, मुंह में पानी आया हो, तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी बहाने एक बार ठेला भी और देख लीजिए।